हेलो वेलकम दोस्तों, मैं हूँ किशोर, आप देख रहे हो राधे बीट्स। और आज के इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं रेडमी नोट 9 में बैकअप एंड रिसेट कैसे करें। तो प्लीज़ वीडियो को बिना स्किप के अंत तक देखे रहे, और आप हमारी चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि ऐसे वीडियो हम आप तक पहुँचाते रहे। तो आइए चलिए दिखाते हैं आपको। तो दोस्तों ये है हमारे पास Redmi Note 9। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक बात आपको बता दूं कि यहाँ पे जो आपका डेटा है वो कहीं पे स्टोर कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे पूरी तरह से आपका मोबाइल जो है फॉर्मेट होने वाला है, फिर ये डेटा रिकवर नहीं होगा। बहुत सारे लोगों की कमेंट्स आती है कि सारा फ़ोन फॉर्मेट हो गया, आप इसको रिकवर कैसे करें, इसलिए मैंने ये बात आपको बता दी। बट एनीवेज दोस्तों आपको जाना होगा सेटिंग्स में। सेटिंग्स में दोस्तों जैसे ही जाओगे तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे दोस्तों लिखा हुआ है सबसे पहले अबाउट फोन, यहाँ पे सिंपली एक बार क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो नीचे की तरफ एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा फैक्ट्री रिसेट का, यहाँ पे एक बार क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे इट्स ऑल डेटा लिखा है, यहीं पे क्लिक करना है। फिर आपका जो होम स्क्रीन का पासवर्ड है वो यहाँ पे एंटर करना है एक बार, फिर नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। तो आपको 5 सेकंड वेट करना है, फिर यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने नेक्स्ट पे क्लिक किया, फिर ओके का 10 सेकंड का आपको वेट करना है। फिर से एक बार ओके कर देना है। जैसे आप ओके करोगे तो दोस्तों आपका मोबाइल जो है वो अपने आप ही रिबूट होगा, मतलब रिस्टार्ट हो जाएगा। हमारा जो मोबाइल है वो बैकअप एंड रिसेट की प्रोसेस में चला गया है। अब आपको कुछ भी नहीं करना है, ये जो प्रोसेस होता है वो सबको देखे रहना है, बस ये मोबाइल कब स्टार्ट होता है। और स्टार्ट होने के बाद जो इम्पोर्टेंट सेटिंग्स है कैसे स्टार्ट करना है मोबाइल को, वो मैं वीडियो में आगे आपके साथ शेयर करने ही वाला हूँ। तो दोस्तों आप देख सकते हो कि हमारा मोबाइल जो है स्टार्ट हो गया है। तो इसको सेटअप कैसे करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे दोस्तों लिखा हुआ है चूज़ लैंग्वेज। तो आप इंडिया से हो, जहाँ से भी हो, तो आप चूज़ कर लीजिए लैंग्वेज, फिर नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिए। तो दोस्तों ये थोड़ा सा लोड ले रहा है, हमने लैंग्वेज सिलेक्ट कर ली है। फिर यहाँ पे लिखा हुआ है कनेक्ट टू नेटवर्क, तो स्किप कर देना है, कुछ भी कनेक्ट नहीं करना है। टर्म्स एंड कंडीशंस, तो यहाँ से नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है, ये दो अलाउ करके नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। फिर यहाँ पे दोस्तों स्किप चेक अगेन, तो यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। गूगल सर्विस, तो यहाँ पे एक्सेप्ट कर लेना है आपको। फिर थोड़ा सा वेट ले गए जस्ट सेकंड्स। सेट पासवर्ड, तो दोस्तों ये सब आप बाद में कर लेना, स्किप कर देना है अभी इसको। एडिशनल सेटिंग्स, तो यहाँ से भी नेक्स्ट कर देना है आपको। और दोस्तों यहाँ से थीम्स दिए गए हैं, इससे आप चाहो तो चूज़ कर सकते हो आपको जो पसंद है वो। फिर यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। तो दोस्तों आप देख रहे हो यहाँ पे लिखा हुआ है सेटअप कम्प्लीट, तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपका मोबाइल जो है वो यूज़ कर पाओगे आप, जैसे कि पहले नया मोबाइल लाए थे और जैसे सेटिंग्स थे, जितनी ऐप्स थी सारी, सब कुछ वैसा हो जाएगा जैसे आप न्यू फ़ोन लाए थे। सारा डेटा आपका जो है वो दोस्तों यहाँ पे फॉर्मेट हो चुका है, आप देख सकते हो। तो ये था दोस्तों बैकअप एंड रिसेट करने का प्रोसेस, जो मैंने वीडियो में क्लियरली आपको बता दिया है कि कैसे करना है। अगर आपको मेरी कोई भी बात समझ में ना आई हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हो। आई होप यू गाइस कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपका कोई भी सुझाव हो तो हमें नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। एंड अभी तक आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं रोज़ाना ऐसे वीडियो लेकर आता रहता हूँ। तो आज के इस वीडियो में इतने दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस माई वीडियोज़, थैंक यू सो मच, बाय बाय फ्रेंड्स।